हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RN Tech पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पिछले वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा है अब, उसमें फ्रिक्शन हम लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट किया हुआ हूँ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा दैट्स मीन्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अभी मैट्रिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, हम लोग मैट्रिक्स में आ गए थे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था, इसमें एसक्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मेटियन, एसक्यू हर्मेटियन तक हम लोग पहुंचे थे। आज हम लोग बात करेंगे क्या कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, कंडीशन क्या होता है, उस पर गेट का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी हो सकता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्या निपोटेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, और लास्ट हम लोग बात कर लेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये चार टाइप का मैट्रिक्स का आज हम बात करेंगे और इसमें डिटेल से हम लोग समझेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे क्या क्या कंडीशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मीन्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब एक लेमन वर्ड होता है, मतलब अगर दो वेक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट। ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, सिंपल था। ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। दूसरी बात कि अगर दो वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों ऑर्थोगोनल है तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा, जिसका हम लोग लेमन वर्ड फिजिक्स में भी यूज करते हैं। और हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो ऑर्थोगोनल का मैं बात समझाया हूँ, लेकिन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। अच्छा, एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, ठीक है। कोई भी अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये मान लीजिए दे दिया मैट्रिक्स, तो इसमें कितना रो हो गया, आर वन रो टू रो थ्री, तीन गो रो और तीन गो कॉलम, मतलब रो और कॉलम बराबर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात अलग अलग रो को, मतलब हम एक मैट्रिक्स, सॉरी, अलग अलग रो को हम एक वेक्टर के तरह ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग कॉलम को हम एक वेक्टर के तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब सारे एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, या अगर रो कॉलम वाइज करेंगे तो एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर, मतलब रो और कॉलम को हम लोग अलग अलग सेपरेटली वेक्टर मान सकते हैं। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके सारे वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मतलब सारे वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब एक मैट्रिक्स है, इसमें एक दो तीन, अगर रो वाइज गिनेंगे तो तीन वेक्टर होगा, कॉलम बाइन गिरेंगे तो तीन वेक्टर होगा। सारे वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल टू इच अदर है, ऑर्थोगोनल कहने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल है। क्या है, ऑर्थोगोनल है। देखिए ये ट्रिक है, इस पर गेट का क्वेश्चन बहुत फास्ट बनता है, क्योंकि गेट का क्वेश्चन इस ऑर्थोगोनल का डिफिनेशन पहले बता देते हैं, उस पर हम क्वेश्चन लेंगे। सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, सारे मैट्रिक्स के जितना भी रो है उसको अलग अलग वेक्टर मान सकते हैं, या कॉलम है उसको भी वेक्टर मान सकते हैं, और दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमको जीरो कर देंगे, क्योंकि बोला है मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि ईएससी के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके सारे वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। लेकिन सारे मैट्रिक्स का वेक्टर, मतलब सारे वेक्टर अगर, मतलब सारे रो या सारे कॉलम एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये 100% हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ए ऑर्थोगोनल, मतलब उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। मेरी बात समझिए, कभी कभी पूछता है, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो सारा वेक्टर 100%, मतलब सारा रो और सारा कॉलम एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सारा वेक्टर, कहने का मतलब सारा रो और सारा कॉलम एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, तो वो मैट्रिक्स, उसका रिवर्स हम नहीं बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, मतलब रिवर्स इज नॉट ए ट्रू, इस बात को रखिएगा, क्योंकि एसी के पॉइंट में पूछ सकता है। चलिए ऑर्थोगोनल का तो हम लोग बात कर लिए, एक एग्जांपल भी दे दिए। सबसे पहली बात कि हम मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के रो को कॉलम को वेक्टर मान सकते हैं, ये बात गांठ बांध लीजिए, सवाल हम इसी पर बनाएंगे। दूसरी बात, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, क्या है, और ए और उसका ट्रांसपोज, दोनों का प्रोडक्ट, या किसी भी ऑर्डर में हो चले, ए का ट्रांसपोज या इन टू ए बराबर आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा इसका दो पहलू और है, सोचिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, या ए इंटू ए का इन्वर्स
इजकल टू आई, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन। अगर ये दोनों है इसका मतलब हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स इज ए ऑर्थोगोनल, एक कंडीशन है। अब इनवर्स निकालने के लिए तो हम लोग सेपरेट चैप्टर यहाँ पढ़ाएंगे कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सब चलेगा, बात करेंगे। लेकिन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, मतलब इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए इंटू ए का इनवर्स। यहाँ से ए कैंसिल कर दीजिए अपने आप, तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए का इनवर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ये बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। इससे हम लोग गेट में दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग इस पे इस चैनल पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग गेट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा एकदम डिटेल्स। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका एक डिफिनेशन, ये दोनों पहलू तो याद रखना ही रखना है, ये दोनों ऑर्थोगोनल का कंडीशन है और इस दोनों को इक्वेट करके फिर एक तीसरा कंडीशन निकाल लिए, तो ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स। देखिए सबको एकदम वेल मोड में पढ़ना चाहिए, मतलब एक ही कंडीशन जाने से आपके सवाल कभी कभी नहीं बनेगा, कभी इस तीनों में से कोई भी कंडीशन यूज करेंगे सवाल फर्स्ट नहीं बनेगा। एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप लोग को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम समझा दिए, हम लोग इसका बात करते हैं। अच्छा एक बात और, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, दोनों ऑर्थोगोनल है, क्या है, तो ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, बी का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा, बी ए भी ऑर्थोगोनल होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये सारे ऑर्थोगोनल होगा, और ए का इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, बी का इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। देखिए अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, अगर दोनों ऑर्थोगोनल है, क्या है, दोनों ऑर्थोगोनल है, तो ए बी और बी ए दोनों अभी आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्थोगोनल होगा, बी का भी ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, या इनवर्स भी निकालने पे ऑर्थोगोनल होता है। इस पॉइंट को रखिएगा, हो सकता है ये आपको हम लोग इसको याद हो जाएगा क्योंकि आपको गेट में इसका यूज आएगा। दूसरी बात कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि गेट में, मतलब एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, गेट में पूछा जाता है इस तरह के अननोन निकालने के लिए, एक मैट्रिक्स दे देता है, बोला इसका अननोन फाइंड कीजिए, ये मैट्रिक्स का कंडीशन दे देगा, तो ये मैट्रिक्स। तो एक सवाल हम लोग लेते हैं, अभी ऑर्थोगोनल पे ही चल रहे हैं हम लोग, कहाँ पे चल रहे हैं, चलिए एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है, एक कोई मैट्रिक्स है ए जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1/9 और क्या है 4/9 और क्या है 8/9, एक हो गया ये कॉलम बाय लिख रहे हैं, दूसरा क्या है 8/9 4/9 और क्योंकि इसका आंसर मिला ना इसलिए मैं क्वेश्चन को एग्जैक्ट लिख रहा हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ एग्जांपल, लेकिन ये α/9 और -7/9 और β/9। अच्छा 9 सब जगह है, इतना याद रखिएगा, ये है इस तरह से दिया हुआ। अच्छा यहाँ पे दो अननोन दे दिया है, क्या दे दिया है, एक अल्फा एक बीटा, और बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए का इन्वर्स बराबर ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है। इफ़ ए का इन्वर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, देन फाइंड आउट करना है आपको अल्फा इक्वल टू व्हाट और बीटा इक्वल टू व्हाट, मतलब ये अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ये अल्फा एक अननोन यहाँ पे है देख लीजिए, और एक यहाँ पे बीटा अननोन है, इस दोनों का वैल्यू निकालना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, इस तरह के गेट का क्वेश्चन आते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है। अच्छा ये कंडीशन आपको देखिए कि ये तभी होगा जब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा, क्या होगा, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। इसको दो अप्रोच है बनाने का, एक जनरल मेथड है, क्या करेंगे बच्चे, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई के बराबर करेगा, इसमें ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल सकता है, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस मतलब इसमें आपको मिनिमम 5 मिनट देना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से, या ए इंटू ए का इन्वर्स निकालेगा बराबर आई, ये भी कर सकता है, इन्वर्स निकालने के लिए बता दें यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी एक लॉन्ग मेथड है। दूसरी बात कि आप हम लोग यहाँ सीधे पकड़ लें कि ऑर्थोगोनल है, क्या है ऑर्थो, और तीसरी बात हम लोग बता चुके हैं कि इसको रो वाइज या कॉलम वाइज सारे को हम लोग एक तरह से वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और किन्हीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करेंगे क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए हमको फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये C1 कॉलम हो गया, ये C2 कॉलम हो गया, C1 इंटू C2 का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं समझिए, क्योंकि ये भी एक वेक्टर हो जाएगा, ये C1 है
हम एक कंडीशन लिख दिए यहाँ से बना सकते हैं जो कि लॉन्ग मेथड है, इससे भी आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। हम यहाँ पे नहीं करने जाना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको छोड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकट तरीका तीसरा मेथड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड मेथड, वो क्या है? चलिए ये कॉलम वन ये कॉलम टू दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, वेक्टर मान लीजिए, तो कितना होगा? 1/9 गुना -4/9 प्लस इतना गुना इतना 8/9 गुना 4/9 प्लस इतना गुना अल्फा, अल्फा गुना -7 α/9 और गुना -7/9 इजकल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, बस एक लाइन में अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, तो अल्फ़ा का वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा 4, करके देख लीजिएगा। अच्छा दूसरा बीटा का वैल्यू निकालना है तो इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे अगर करना चाहेंगे तो C1 प्रोडक्ट C2 बराबर 0 की है, मतलब इस कॉलम और इस कॉलम को प्रोडक्ट इक्वल टू 0 की है। अगला अगर हमको बीटा निकालना है तो C2 अब प्रोडक्ट C3 के बराबर 0 कर देंगे। बहुत फास्ट मेथड है ये अधिकतर टीचर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो ऑर्थोगोनल का डिफिनेशन बता के आगे बढ़ जाएंगे। C2 इंटू C3 कर दीजिए तो इतना गुना इतना -4/9 गुना 8/9 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 4/9 गुना 1/9 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई -7/9 गुना β/9 अब बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ से आप बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और बीटा का वैल्यू निकालेगा तो -4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं, मतलब विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर ऑर्थोगोनलिटी का कोई भी प्रॉपर्टी आएगा तो क्वेश्चन को इसी तरह हैंडल करना है, याद रखिएगा ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ऑर्थोगोनल का मैं पूरा डिटेल से बात कर लिया हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका हम लोग नाम दिए हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग को पढ़ाना क्या है, अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, तो देखिए ए का स्क्वायर बराबर ए आ जाए। अच्छा एक बात हम अभी बता रहे हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो लिखा हुआ उधर पर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा ये क्या होता है? कुछ नहीं, अगर एक का कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर के अगर एक बराबर आ गया। अच्छा बच्चा इसी को याद रखता है लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं करते हैं। देखिए क्या करो, अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर, फिर यहाँ से अगर ए स्क्वायर बराबर ए लिख देंगे तो इधर कितना होगा ए क्यूब बराबर ए, ठीक है। उसी तरह ए के पावर 4 बराबर भी कीजिएगा तो ए, मतलब ए के पावर एन अगर भी कर दें, अगर ए के बराबर आएगा, एन कोई नंबर इंटीजर नंबर हो जाएगा तब पर भी हम लोग बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका दो प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, इसका ये डिफिनेशन याद रखना है कि ए के पावर एन इजकल टू ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर वही 0 के बराबर जाएगा मतलब ए के पावर एम अब बराबर कोई 0 नल मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है निम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, निपोटेंट मैट्रिक्स इसका। अगर ये हम आगे बताएंगे इसका अगला वर्जन है निपोटेंट, ठीक है। अच्छा एक दोनों तो बता दिए, आइडम्पोटेंट और निपोटेंट मैट्रिक्स हम लोग बात कर लिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। याद रखिएगा ये सब बड़ी यूज आएगा आप लोग को, पूरा प्रॉपर्टी अच्छे से रखिएगा, इससे एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही, 15 मार्क्स का गेट में क्वेश्चन रहता है। चलिए प्रॉपर्टी अगर देखिए, ए बी बराबर, इस पर गेट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रॉपर्टी ए बी बराबर बी दे दिया हो या बी ए बराबर ए दे दिया हो, ए दिया हुआ है तो देन इतना बराबर इतना दोनों दिया हुआ है, देन ए स्क्वायर बराबर ए होगा एंड बी स्क्वायर बराबर बी होगा, ये 100% होगा। एक प्रॉपर्टी ये हो गया, क्या दिया ए बी बराबर, देखिए इसका लास्ट बार बराबर, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटू ए बराबर ए, मतलब ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी बराबर बी, मतलब ये देखिए लास्ट वाला यहाँ पे जो लास्ट वाला आता है वही आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये तभी होगा जब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स रहेगा, ठीक ना। तो ये दोनों की बात हम लोग कर चुके हैं, तो देखिए गेट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले एक और प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, अच्छा दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलेगा ए बी बराबर यहाँ पे ए दे दिया, मतलब इस बार लास्ट शुरू वाला यहाँ पे दे दिया, और बी ए बराबर यहाँ पे बी दे दिया, मतलब ये लास्ट वाला शुरू वाला यहाँ पे उठा के दिया है, ठीक ना। तो बोलेगा क्या, इसका मतलब फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ए होगा और बी स्क्वायर बराबर बी होगा। ये दो प्रॉपर्टी हम बताएं, दोनों पे क्वेश्चन, सॉरी लाइन चले गया है इसलिए मैं क्या बताऊँ आपको,
आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और मैं घर पे हूँ, बार बार लाइन कटता है, इसके लिए आपको सॉरी। ये वीडियो मैं यहीं से आप लोग को लोड कर दूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेली लाइन कट रहा है। मैं इसके लिए आप लोग तहे दिल से धन सॉरी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन डेली कट रहा है, तो ये मेरा भी गलती नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बचा हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच।